मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने परभनी वासियों को, परभनी जिला वासियों को आह्वान किया था, परिपत्र थाने पूरी तरह से बंद रखने का आदेश ही जनता को दिया था। उसके बावजूद आज 12 अप्रैल 2021 को सुबह से तो दोपहर तक परभनी शहर की पूरी प्रतिष्ठानें, आधी प्रतिष्ठानें खुली नजर आई, आधे शटर खुले नजर आए और आधे शटर बंद नजर आए। यहाँ के व्यापारी, परभनी के व्यापारी तंग आ चुके हैं इस लॉकडाउन से, ऐसा नज़र आ रहा है, और जनता भी तंग आ गई है ऐसा नज़र आ रहा है। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने बार बार जनता से और व्यापारियों से भी आह्वान किया है कि 30 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। ऐसी सूरत में व्यापारी पूरी तरह से परेशान हो गए। लाखों रुपये का माल व्यापारियों की दुकानों में भरा हुआ है। जिन प्रतिष्ठानों को खुला रखने का आदेश दिया गया है, जो अत्यावश्यक सेवाओं में आती है, उन्हें तो खुला रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन ऐसी प्रतिष्ठानें जिनमें लाखों रुपए का माल भरा गया है, वो प्रतिष्ठान के मालिक परेशान हो गए हैं, उनके ईएमआई भरना बाकी है, और जनता भी परेशान हो गई है इन प्रतिष्ठानों के बंद होने की वजह से। वो इसके लिए कि 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती मनाई जाना है, और जयंती के अवसर पर जिन लोगों को नए कपड़े खरीदना है, नया सामान खरीदना है, ऐसी सूरत में वो लोग भी परेशान हो गए हैं। तो लोग मजबूर हो गए हैं बंद दुकानों में ही अपना माल बेचने के लिए। पुलिस प्रशासन की जानिब से कुछ छूट दी गई है, पुलिस प्रशासन नज़रअंदाज करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस बात का ख़ास तौर से लोग ख्याल रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ही अपनी प्रतिष्ठानों में लोगों को ले रहे हैं। उसके बावजूद रास्तों पर भीड़ नज़र आ रही है। ये भीड़ इस तरह से नज़र आ रही है जैसा कि लोग किसी तरह से आज हमें माल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिला वजह के गर्दी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। और चौक में तो इस कदर गर्दी है, रश है, कि किसी तरह से लोगों को आने और जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा है। चारों तरफ से लोग आ और जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम होता हुआ नज़र आया है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा, किस तरह से लोग आने में और जाने में किस तरह से ट्रैफिक जाम होता हुआ नज़र आ रहा है, और लोग परेशान भी हैं और प्रतिष्ठान के मालिक भी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, अगर ये इन व्यापारियों को आदेश दे डालते थे, परमिशन दे डालते थे अगर अपनी प्रतिष्ठानें खुली रखने का, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ और नहीं होता था। लोग एहतियात कर रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, अपनी प्रतिष्ठानों में उन लोगों को लेने का जो लोग आप माल खरीदने के लिए आ रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है महक ब्यूटी पार्लर। महक ब्यूटी पार्लर, बिस्मिल्ला लेडीज टेलर, काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर, दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी, परभनी। एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। महक ब्यूटी पार्लर, बिस्मिल्ला लेडीज टेलर, काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर, दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी, परभनी। एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। इस न्यूज के सहायक प्रायोजक है एसके ट्रेडर्स। एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभनी। शादी ब्याह में लगने वाले फर्नीचर के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। आप हमारे पास पाएंगे महाराजा पलंग, आप जैसा ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वुड चेयर, महाराजा अलमारी, सिंगारदान, कूलर और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल क्रमांक 9657949890। परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन्होंने बार बार जनता से आह्वान किया है कि अपने घरों से जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना ज़रूरी है। अपने चेहरे पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना, और उसी के साथ में अपने हाथों को सैनिटाइज करना ज़रूरी है। जनता के जो हितैषी है, जनता का जो लोग भला चाहते हैं, ऐसे लोगों से आज हमने मुलाकात की। आइए जानते हैं किस तरह का आह्वान उन्होंने किया है। इसमें व्यापारी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, जिनकी हमने मुलाकात ली, किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है ये भी जानते हैं। इस न्यूज़ के लिए मदद की हमें मिर्ज़ा मेस, इन्होंने। मिर्ज़ा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं
और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में सुबेदार नगर डिपो के पास परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। जिलाधिकारी जी पसंदीकर साहब ने भी मार्केट बंद रखने का ऐलान किया, उसके बावजूद मार्केट पूरा खुला नजर आ रहा। परभणी शहर का मोंडा परिसर में पूरी दुकानें खुली नजर आ रही, जो एसेंशियल सर्विसेज में दुकानें हैं वो तो खुली चल, लेकिन उसके बावजूद आपकी फर्नीचर की भी दुकानें खुली नजर आ रही। आप किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ में, जो कस्टमर आ रहे हैं उनके साथ में कर रहे हैं, और आपका माल किस रेट से बेच रहे हैं, क्या असर आपके धंधे पर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपने मार्केट में अपनी दुकान खुली रखी है? जैसे कि आप देखते हो कि नया मुंडा जो परिसर है यहाँ पे पूरे ग्रामीण भाग के लोग आते हैं, शेतकरी। तो हम जो है समझो जो शादियों का पूरा सामान रहता है वो पूरा हम एक लग्नाचा बस्ता सर्वात सस्ता आणि ये सही में कम दे रहे क्या, हे खरंच आम्ही कमी दामात विकत आहेत का, ह्याची जर आपल्याला सखोल चौकशी करायची असेल तर 100% आमच्या तुम्ही दुकानाला भेट द्या। 100% माझ्या दुकानात नाव आहे सिद्धिविनायक फर्निचर्स, नवा मुंडा परभणी। खरंच आपल्याला लक्षात येऊन जाईल की आम्ही योग्य दरात विकत आहोत का नाही। आणि आज जसं माननीय श्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी जे लॉकडाऊन जाहीर केलं आहे ते त्याला सहकार्य म्हणजे सहकार्य करण्याचं काही 100% आम्ही सहकार्य त्याच्यासोबत आहेत, पण इथं कुठंतरी व्यापारासाठी बी त्यांनी थोडं बहुत 19-20 विचार करावा किंवा टायमिंगमध्ये जे आहे आपलं बदल करावा। माननीय श्री जिल्हाधिकारी साहेबाला आम्ही इतकंच सांगू इच्छितो की एक किमान समजा जसं आपलं 2 वाजेपर्यंत चालू होतं, किमान आम्हाला सगळ्या व्यापाऱ्याला विश्वासात घेऊन जे काही योग्य निर्णय करता येईल ते 100% त्यांनं करावा, हीच आम्हाला त्याच्याकडून एक अपेक्षा आहे। तरी तुमच्याकडे लग्नाचा बस्ता सर्वात सस्ता म्हणजे नेमका काय, हा स्लोगन नेमका काय? असं एक 40 किलोचं जर कपाट समजा कोणी बाजूचा दुकानदार 6,500 रुपयाला विकत असेल आणि ते 65 किलोचं कपाट जर मी 7,500 रुपयाला विकत असेल तर सरळ सरळ कॉमन सेन्सची गोष्ट आहे की ग्राहकांना विचार करावा की बाबा मी जे चांदी मी सोन्याच्या भावात बाजूवाले विकायले तर मग सोन्याच्या भावात घ्यायला काय अडचण आहे, हे माझं एक वैयक्तिक मत आहे। आणि ग्राहकांना कुठे बी सामान घ्यावं जसं माझ्यात लाईनीचं नाही, कोणती गोष्ट असो ती तर एक चौकशी करूनच घ्यायला हवी असं माझं वैयक्तिक मत आहे। अगर आपको इंग्लिश शिकणं आहे तो आप फिक्र ना करें, SBS कोचिंग क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कॉन्टैक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मोबाइल नंबर 9823797828। एयरफिटर उड़ान पुल के पास अनुषा टैकिस के सामने गंगाखेड़ रोड परभनी, 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने और हमारे परभणी ज़िले के कलेक्टर मुगलीकर साहब ने जो आज फैसला लिया है और जो फैसला जनता के ऊपर छोड़ा है कि अपनी हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी से खुद से अपनी फैमिली को और अपने आप को महफूज रखने के लिए इस बीमारी से पूरी तरह से तैयार रहिए, यही अगर फैसला बहुत पहले लिया जाता तो हर इंसान अपनी अपनी ज़िम्मेदारी से ये करता। बीच में बहुत सारे पिछले साल जो अचानक लॉकडाउन किया गया था उसमें जिस तरह से मध्यम वर्गीय लोग और जिस तरह से मजदूर लोग, कामगार लोग, छोटे छोटे वो कटिंग वाले लोग, छोटे धंधे करने वाले लोग इतनी बुरी तरह से पीछे आ गए थे, अब थोड़े ही दिनों में कुछ तरह से आगे कुछ हद तक के धंधा चल रहा था, फिर से लॉकडाउन बढ़ गया है और लॉकडाउन लगने के चांसेस दिख रहे हैं। इसके हिसाब से धंधे भी कम हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं और इसने बहुत हालात ख़राब है लोगों के और छोटे धंधे वाले के तो सबसे ज़्यादा हालात ख़राब है। तो मैं जनता से और लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस बीमारी को खुद होके अपने आप से कहीं भीड़ में न जाते हुए और अपने आप को मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंस रखो, क्यों तो बीमारी है, बीमारी कुछ ना कुछ बीमारी है जो इतने लोग मर रहे हैं। दोस्तों,
बीमार आज जो जितने जितने लोग बीमार बता रहे हैं वो टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है और इससे बच भी बहुत सारे लोग रहे हैं। तो हमें बचने के लिए पहले उपाय अगर करना है तो मुंह को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, ज़्यादा भीड़ में जाना नहीं है। यही मैं सब लोगों से कहूँगा। जय हिंद। अगर आपको अपने ऑफिस या घर में स्लाइडिंग विंडोज़ और अल्मीनियम के विंडोज़ और दरवाजे का अगर काम करके लेना है तो ऐसी सूरत में जनता अल्मीनियम का ऐड आपके लिए है। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगा रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890023218। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर भणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर पर भणी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, महाराष्ट्र के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है उद्धव रावजी ठाकरे साहब, उन मैं देख रहा हूँ उनको पब्लिक की बहुत काळजी है। और हमारे कलेक्टर साहब उन्होंने तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं ये महामारी से लोगों को बचाने के लिए। लॉकडाउन कर रहे हैं और सेफ डिस्टेंस तो होना चाहिए और मास्क भी लगाना बहुत सख्त ज़रूरी है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो भी कर रहे हैं वो सब ठीक है, सब बराबर है, लेकिन अब आप लॉकडाउन कर रहे हैं हफ्ते में समझो दो दिन का लॉकडाउन कर रहे, दो दिन घर में पब्लिक बैठ के, तीसरे दिन इतना जंबलिंग हो रहा है पूरा मार्केट गचागच खचागच हो रहा, फिर वो आपके लॉकडाउन का क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारे देशवासियों को, परवनी कर लोगों को, हमारे आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर साहब की कल जयंती है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और जुलूस वगैरह निकालते हैं ठीक है, जो भी है आपके तरीके से आप करिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत सख्त ज़रूरी है और मास्क पहने सिवा आप लोग बाहर मत निकलिए, ये आप लोगों से आह्वान है। हाँ, और एक बात, अभी हमारे पूरे दुनिया में रमज़ान का एक बहुत बड़ा त्यौहार रहता है, एक पवित्र त्यौहार है, उसमें लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए रोज़े रखते हैं। इफ्तारी का मामला है, शाम में इफ्तारी के लिए बाहर निकलते फ्रूट्स फल वगैरह लेने के लिए, और कुछ जो भी ये लगता है वो प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूँ, थोड़ी खुली छूट दीजिए कि कुछ लोग अपना रोज़ बसर करना और रोज़े के बाद रिफ्रेशमेंट वगैरह लेने के लिए जो निकलते तो उनको तकलीफ मत दियो। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक, लेकिन जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस, हमारे यहाँ नए पुराने हेप्सिफोर की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, खुबा मस्जिद, परभणी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। जय भीम। मी विद्या आत्माराम श्रृंगारे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत संघर्ष लोकसंचालित साधन केंद्र पूर्णा येथे एरिया कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करते। 14 एप्रिल क्रांतिसूर्य परमपूज्य भारताचे संविधान लिहिणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची आता जयंती साजरी होत आहे आणि मोठ्या उत्साहाने साजरी करण्याचं सगळ्यांचा उद्देश आहे। तर माझं एवढंच सर्वांना आव्हान आहे की सर्वांनी खूप चांगल्या प्रकारे आणि शांततेत आणि सुरक्षित, जसं की सोशल डिस्टन्स पाळा, मास्क बांधा, हातामध्ये तुम्ही ग्लोव्ज वापरा, सॅनिटायझर वापरा, सगळ्या नियमांचे पालन करूनच मग ही जयंती उत्साहात साजरी करा, ही माझ्या सर्वांना नम्र विनंती आहे। आप जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। समीर टेंट हाऊस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। नमस्कार, मी अनामिका आणि लवकरच येत आहे बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती। यानिमित्त परभणी आज तक व 24/7 माझा महाराष्ट्र याच्या वतीने मी सर्वांना विनंती करू इच्छिते की आपल्या सर्वांनाच ही जयंती तर साजरी करायची आहेच, पण सर्व नियमांचे पालन करूनच। त्यामुळेच आपण जयंती साजरी करताना सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आणि सॅनिटायझर या तिन्ही वस्तूंचा वापर करूनच आपण जयंती साजरी करावी, कारण आपण बघू शकतो की सध्याचे वातावरण दिवसेंदिवस बिघडत चाललेले आहे। अर्थातच आपल्याला जयंती साजरी करण्याचा जोश तर आहेच, पण ह्या सर्व नियमांसोबत जर आपण जयंती साजरी केली तर निश्चितच आपण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शिकवणीला खरा अर्थ देऊ। त्यामुळे श्रोते हो, तुम्ही सर्वांनीच या नियमांचे पालन करावे आणि आपण सर्वजण मिळून एक प्रण घेऊया, जयंती साजरी करूया पण सर्व नियमांसोबतच। धन्यवाद। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान और परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कॉन्टैक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक वो नर्सिंग होम गवाने चौक परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है गवाने चौक परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925, सेकंड नंबर 9420062194।